तो क्रूड ऑयल का ये चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे लाइव क्रूड ऑयल अभी भी जारी है। और कल जो मैंने आपको बोल दिया था, देखिए आपको यहाँ पे मैं देखिए लाइव रहने के लिए मैं रह सकता हूँ, लेकिन अभी वक्त की कमी की वजह से मैं आपके साथ ज़्यादा देर तक लाइव नहीं रह सकूँगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद मैं आपके साथ क्रूड ऑयल में लाइव रहूँगा, बैंक निफ्टी निफ्टी में भी लाइव रहूँगा, और वहाँ पे आपको एक्यूरेट एंट्री दूंगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मेरे ना होते हुए भी, मेरे लाइव ना आते हुए भी मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ कि आप खुद ही ऑब्जर्वेशन करके खुद के डिसीज़न लेना सीख लेंगे। तो अब इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं हूँ श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, मैंने कल यहाँ पर आपको बोल दिया था क्रूड ऑयल में कि ये जो लाइन मैंने खींची थी यहाँ पर नीचे, मैंने कहा था कि अगर इस लाइन के, ठीक है, यहाँ देखिए ये लाइन, ये ऊपर वाली जो लाइन है, इस लाइन के अगर ऊपर चला जाता है, वहाँ पे कंफर्मेशन देता है, सस्टेन करता है, इस ऐसे ऊपर चला जाता है, दोबारा अगर सेलर नहीं आ पाते और अगर बायर ज़्यादा पावरफुल है तो ये ऊपर जाएगा। ऐसा मैंने आपको कल बोल दिया था। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर इस लाइन को ब्रेक ना करते हुए ऐसे घूमेगा, दोबारा ऊपर अगर बायर नहीं आएगा और नीचे चला जाएगा, तो आपको सेलिंग देखने को मिले। बस सेम सिचुएशन हुई है, बस कुछ बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम भी ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए, जो मैंने आपको बोला कि इस तरीके से ऊपर जाने के बाद, ठीक है, बायर आ रहे हैं लेकिन दोबारा सेलर नहीं आ रहे, तो दूसरी टाइम जो हम एंट्री लेते हैं वो परफेक्ट एंट्री होती है। इसलिए मैं दो बार रुकने के लिए आपको बोलता हूँ। लेकिन जब फ्लो इस तरीके से सप्लाई साइड का हो तो दो बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार कंफर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर बायर आने की कोशिश की लेकिन बायर नहीं आ सके, और जैसे ही नीचे आए, ठीक है, इस लेवल के जैसे ही नीचे आए, तो देखिए आपको यहाँ पे दोबारा कंफर्मेशन लिया है और उसके बाद एकदम फ्री फॉल हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको इतनी देर तक रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे ही यहाँ से घूमा, ये बड़ी कैंडल बनाई, तो उसमें भी आप एंट्री कर सकते हो, कंफर्मेशन तो होगा, यहाँ पे कंफर्म है कि बायर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बायर ही नहीं आए तो यहाँ पे कैसे बायर आ सकते हैं, ठीक है। और मार्केट में जब सप्लाई शुरू है तो सप्लाई ही कंटिन्यू रहने वाला है, ये बराबर चीज़ आपको यहाँ पर सोचनी है, ठीक है। तो जो भी लोग इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे ट्रैप होंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या सोचेंगे कि यहाँ से ऊपर तो आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली नीचे गया है, इसके ऊपर घुमा ही नहीं है, यहाँ तो दो बार घूमना चाहिए था, तो एक बार भी नहीं घुमा है तो कैसे। और साथ ही साथ ये जो लेवल है, ये जो लाइन है जहाँ से पहला लाइन, इसके ऊपर भी नहीं गया है तो डिमांड कैसे एक्टिव हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे सोच रखने से आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं डिमांड और सप्लाई का सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। उस सीरीज़ में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में परफेक्ट सिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट चालू है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मार्केट डिमांड साइड पे चालू है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में दिखता तो सेलिंग है लेकिन एक्चुअली मार्केट डिमांड साइड पे होता है, तो वो आपको किस तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं वो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। या फिर मार्केट में कभी कभी डिमांड दिखता है, दिखने को तो ग्रीन कैंडल दिखता है लेकिन एक्चुअली मार्केट में होता है सप्लाई शुरू, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे ट्रैप से बचने के लिए मैं डिटेल में सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, उस पर मेरा काम शुरू है। अगर आप वो सीरीज़ मिस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमारे जो भी वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं उसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। देखिए कितना फ्री फॉल हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये आज जो ओपन हुआ है सुबह 9 बजे, ये ओपन होता है, देखिए
ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको जाना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू गूगल में जाकर भी आप, यहाँ पे मैं आपको एक बार और एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से जाना है, ठीक है। बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये पता नहीं होता, तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं। देखिए, ट्रेडिंग व्यू में जाना है आपको, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे चार्ट्स क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आकर ये देखिए, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट है। अगर वॉच लिस्ट आपके पास नहीं समझ में आ रही है, आप नए हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर सकते हो कि क्रूड ऑयल, ये देखिए क्रूड ऑयल फ्यूचर्स जो लिखा है उस पर क्लिक करोगे तो ये चार्ट आएगा। ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, इसलिए मेरा चार्ट ऑलरेडी आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, अब यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे लाइव चालू है, मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने इस लाइन को डायरेक्टली यहाँ पे खींच लिया, ओपनिंग लाइन। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न बना है। ओपन हुआ, ठीक है, इस लाइन को ब्रेक किया। अगर इस लाइन के ऊपर नहीं आता है तो हमें सप्लाई देखने को मिलेगा। अब इसमें और भी बहुत चीज़ें होती है दोस्तों, ये तो मैं 8 पैटर्न आपको बताता हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नीचे तो जाता है, बाद में ऊपर भी आ जाता है, और इसी लेवल के पास इस तरीके से कंसोलिडेट करता रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहाँ पे एंट्री लोगे, ये भी दिक्कत है। यहाँ पे कैसे समझ में आएगा डिमांड और सप्लाई, तो ये भी मैं आपको उस सीरीज़ में डिटेल में समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ से ओपन हुआ, अब ये पैटर्न के हिसाब से देखिए, यहाँ से इसके नीचे नहीं गया, ऊपर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसे, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर लिया, उसके बाद अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, इस पुल बैक लाइन को ब्रेक कर देगा। अब उसे नीचे जाना है तो कन्फर्मेशन, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ों पर ध्यान रखिए, इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि अब ये नीचे ही जाने वाला है, ठीक है, अब ये लाइन के ऊपर नहीं आया। देखो आप, मैं ध्यान से आपको कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर आ रहे हैं लेकिन वो वीक है, बायर आ रहे हैं लेकिन वो वीक है, अब यहाँ इसके नीचे नहीं गया है, तो अब क्या हो गया, सेलर भी थोड़े वीक हो गए, बायर भी थोड़े वीक हो गए, उसके बाद इस लेवल तक गया है, फिर और सेलर वीक हो गए हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा वीक हो गए और सेलर पावरफुल हो गए, तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमें किस साइड पे एंट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर भी आए तो बायर को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक गिरा है, अब जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केचिंग हो गया, उसे निकाल देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये एक लेवल है, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा और जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक डिमांड एक्टिव नहीं होने वाली है, समझे आप। डिमांड एक्टिव होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए आप क्या चल रहा है, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकालते हो तो ये बिल्कुल डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है, समझ में आ रहा है आपको, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पे और एक समझा देता हूँ, ये इस तरीके से लाइन खींचता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा इस तरीके से भी हम समझाएंगे आपको, देखिए यहाँ से नीचे आए, ठीक है, यहाँ से फिर सेलर, सेलर टच कर रहे हैं लाइन को, ठीक है, अब यहाँ पे सेलर ने टच नहीं किया है, अब सेलर बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे सेलर लेकिन यहाँ पे आ गए, पावरफुल हो गए, अब बायर यह है, इसके ऊपर नहीं आए। अब देखिए अगर बायर इस लेवल, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब सप्लाई चालू है, चालू है, नीचे आ रहा है इसका मतलब सप्लाई शुरू है। अगर ये चार्ट इस तरीके से ऊपर होता तो यहाँ पे आपको क्या सोचना चाहिए कि डिमांड शुरू है।
अब जब सप्लाई चालू है तो हमें जो फैक्ट है मार्केट में शुरू है उसके साइड पे ही जाना चाहिए। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर नहीं आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें सप्लाई साइड पे जाना है। और अगर डिमांड साइड पे कब जाएगा, अगर मार्केट ऐसे ऊपर आता है, ठीक है, और ऐसे नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो ही हमें डिमांड साइड पे जाना है। देखिए, थोड़े से ग्रीन कैंडल दिखाएगा तो तुरंत इसमें बाय नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रैप हो सकता है, थोड़ा बढ़ेगा और फिर दोबारा आपको नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट क्लू दे देता हूँ, ठीक कि अगर इसके नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और दोबारा नीचे चला जाता है, मतलब 6250 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो सेलिंग ही सेलिंग। जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन मिले तो आप इसमें सेल ले सकते हो, बिल्कुल आराम से ले सकते हो, क्योंकि अभी एक रेंज बाउंड में अटका हुआ है। इस रेंज से अगर निकल जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, और इस रेंज के ऊपर चला जाता है तो आपको ऊपर के साइड। तो दोस्तों देखिए, कल भी मैंने आपको बोल दिया था कि नीचे गिरने वाला है, आज मैंने आपको दो लेवल्स दिए हैं। अगर इस रेंज के नीचे जाता है, कंफर्मेशन देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब ये सिर्फ आपको डेमो में बता रहा हूँ, आप इसका यूज़ भी कर सकते हो अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो वेट कीजिए, इस लेवल के नीचे आने के बाद कंफर्मेशन नीचे की तरफ देता है तो आप ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना बिल्कुल। और अगर आपको बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो आप क्रूड ऑयल में प्रैक्टिस के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग की दिक्कत आ रही है, जैसे कि मार्केट में आप एंट्री ले लेते हो और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, कहाँ पे लॉस बुक करें, इसका कन्फ्यूजन आपके साथ हो रहा है, तो आउटर में मैं एक अच्छा वीडियो रख रहा हूँ, वो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो बिल्कुल पूरा देखोगे। वो वीडियो देखने के बाद आपके प्रॉफिट बुकिंग के वो एक साइकोलॉजी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।